जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय। आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजिट टू द बॉडी फ्री एज सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शस्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को एक बार फिर से गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सबका दीपावली का पर्व बहुत आनंद में बीता, प्रभु का स्मरण करते हुए परिवार के साथ। और कार्तिक मास, आई एम श्योर एंड आई एम वेरी होपफुल, मैं भगवान से रोज ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि जितने भी डिवोटी यहाँ जुड़े हैं उनका उमंग जो है, उत्साह जो है डिवोशन को लेके बढ़ता रहे, ऊर्जा बढ़ती रहे। और जो आलस आया हुआ है हमारे जीवन में, जो आलस आता है डिवोशन को करने के लिए, वो आलस खत्म हो। कोई अगर आप नकारात्मक ऊर्जा से अभी भी डील कर रहे हैं, प्रभु इस मंथ में आपकी वो नकारात्मक ऊर्जा खत्म करके, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड आध्यात्मिक प्रगति की 100 पे थी तो 200 पे हो जाए, 200 पे थी तो 400 पे हो जाए। तो आई होप आप वो फील कर रहे हैं कि ऊर्जा व्रत में आप आगे बढ़ रहे हैं। और हम प्रयास करते हैं कि डिफरेंट फेस्टिवल्स पे थोड़ा सा फेस्टिवल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाए। तो आज भी एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे है कार्तिक मास का, जिसमें बेसिकली भगवान की बड़ी प्रसिद्ध गोवर्धन लीला हुई है तो दीपावली के एक दिन के बाद, यानी आज की बात है ना, तो गोवर्धन लीला यहाँ पे हुई थी भगवान की। और उससे रिलेटेड ना एक वीडियो मैंने आपको लिटिल कृष्णा का कार्टून फॉर्म में भेजा है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि सारी फैमिलीज इकट्ठे बैठ के बच्चों के साथ वो गोवर्धन लीला की कथा आज देखें उसमें, है ना। देखिए कई बार ना हम चाहेंगे अगर ना कि यंगस्टर्स को हम अपने तरीके से ही पूजाओं में लगाएंगे तो बात नहीं बनेगी, बट अगर हम थोड़ा मॉडर्न तरीकों को इस्तेमाल करें इसमें कोई दिक्कत है क्या? क्या ये बताया गया कि अगर तुम श्रवण कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कार्टून देख के कर लोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी? बच्चों को भी अच्छा लगेगा, आपका उनका टाइम स्पेंड तो फॉर द होल फैमिली। गोवर्धन लीला का 23 मिनट्स का, उससे जरूर कथा सुनिए देखिए और आपको आइडिया लगेगा। और इट्स गुड कि हम बच्चों को भी वो बातें सिखाएं कि क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है गोवर्धन की, है ना। तो पहले तो गिरिराज गोवर्धन जी हैं कौन, है ना। देखिए ये भगवान के टॉप मोस्ट भक्तों में आते हैं, जिसे भगवान के ना प्रेम करने के, भगवान को सेवा करने के बड़े सारे रस होते हैं। रस तो उसमें से सबसे पहला कौन सा था? शांत रस। तो गिरिराज गोवर्धन कौन से भक्ति के रस को प्रकट कर रहे हैं? शांत रस, जिसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही है लेकिन वो क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं प्रभु की। तो कैसे करते हैं गिरिराज गोवर्धन सेवा प्रभु की? देखिए पहले तो हम चलते हैं, हम मटेरियल वर्ल्ड में बाद में आएंगे, पहले आध्यात्मिक जगत में गोगलोक धाम में। अब राधा रानी प्रकट हो चुकी हैं, लादिनी शक्ति हैं प्रभु की, और उनका तो एक ही काम है कि प्रभु को आनंद कैसे दें। तो वह नित्य निरंतर आइडियाज ढूंढ रही होती कि प्रभु को कैसे आनंद मिले। तो उनके अंदर एक इच्छा जागती है कि भाई कुछ कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पेड़ हो, सुंदर सुंदर फूल हो, शीतल हवाएं हो, है ना, हमारी लीलाओं के लिए कुछ ऐसी प्लेस होनी चाहिए। क्योंकि आप भी थोड़ा सा सोचिए, आप लोग ह्यूमन लेवल पे आगे सोचिए, आप और आपकी लाइफ पार्टनर हैं, वाइफ हैं, आपको हॉलीडे मनानी है तो आप क्या पसंद करेंगे वहां आसपास? कुछ कुछ ना हो, कुछ ना हो, या कोई झूला लगा हो, कोई सुंदर सुंदर पेड़ हो, पक्षियों की आवाज आ रही हो, है ना, सरोवर भी हो आसपास कहीं, है ना, सुंदर पसंद करोगे ना। ये सब डिजायर कहाँ से आती है हमारे अंदर? ये
देखिए, बिकॉज हम सब भगवान बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर भी वैसी डिजायर है, बट ये शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि राधा रानी के अंदर ये डिजायर आती है, हमारे अंदर इम्प्योर डिजायर होती है क्योंकि हम भोग विलास करना चाहते हैं, है ना? राधा रानी के है प्रभु की सेवा करने के लिए डिजायर आ रही है कि क्यों कुछ ऐसी जगह होती है अगर जिसमें हम ज्यादा अच्छे से ना प्रभु की सेवा कर सकती, हम ज्यादा लीलाओं का आनंद लूटते, तो क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण को तो राधा रानी की इच्छा पता चल जाती है और भगवान श्री कृष्ण के हृदय में से एक बीज उत्पन्न होता है, प्रकट होता है बीज, और जैसे ही बीज प्रकट होता है वो बीज बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बहुत विशाल रूप ले लेता है। तो वो कौन बन जाता है? वही है हमारे गिरिराज गोवर्धन। तो बोलिए, गिरिराज गोवर्धन जी की जय हो, है ना? तो लादिनी शक्ति राधा रानी की जो इच्छा है कि मैं प्रभु की लीलाओं का स्वाद कैसे और बढ़ाऊं, कोई ऐसी जगह हो, राइट, जहां फूल हो, वनस्पति हो, वहां फल हो, है ना, शीतल हवाएं हो, तो वो है जो हृदय से श्री कृष्ण के निकले, वो है गोवर्धन। इसलिए गोवर्धन पर्वत को भी भगवान श्री कृष्ण का ही रूप भी माना जाता है और गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण के सबसे टॉप मोस्ट लेवल के भक्त के रूप में भी माना जाता है। तो दोनों ही तरह से हमें उनकी आदर करना है, रिस्पेक्ट करनी है और पूजा करनी चाहिए, है ना? तो अब ये तो नित्य निकुंज में चल रही है लीलाएं, वहां ऊपर गोलोक धाम में। तो अब भगवान का यहाँ पे अवतार लेने का समय आ रहा था, तो वो कहते हैं राधा रानी भाई आप भी चलोगे? तो राधा रानी वो कंप्लेन कर देती है कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगी, ना तो नीचे वहां पे यमुना है ना गोवर्धन है, तो कोई आनंद ही नहीं आएगा। तो भगवान कहते हैं कोई टेंशन मत लो आप, मैं पहले से ही यमुना को और गोवर्धन को, क्योंकि भगवान की लीलाओं में ना ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यमुना एंड गोवर्धन, राइट। तो ऐसा करो, मैं पहले से ही जो हमारी लीलाएं होंगी अब धरती पे, मेरा अवतार लेने का समय आ रहा है, तो बिकॉज आपकी इच्छा है कि गोवर्धन नीचे भी हो और यमुना नीचे भी हो, तो मैं नीचे ही उनको प्रकट कर देता हूँ। तो इस तरह से जो अब हमारे भौतिक संसार में वृंदावन धाम है, वो भी उसको कैसे देखना चाहिए आपको? क्या उसको आपको भौतिक जगह माननी चाहिए या आध्यात्मिक जगह माननी चाहिए? वो दिख रही है आपको यहाँ, वो तो प्रभु की और राधा रानी की कृपा है हम पे कि जो ये वृंदावन धाम है, राइट, वो यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ आप जा सकते हो, बट बेसिकली वो है आध्यात्मिक ही, ठीक है, आध्यात्मिक है वो हमेशा, उसको मटेरियल आई से नहीं देखना है, आध्यात्मिक भावों से समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि भगवान की लीलाएं हुई है ना यहाँ पे, इसलिए जहां भी भगवान का स्पर्श हो जाता है, क्या वो कुछ भौतिक रह सकता है? वो भौतिक नहीं रहता, वो आध्यात्मिक हो जाता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो है गिरिराज गोवर्धन जो है प्रकट हो गए, और द्वापर युग में, सॉरी, जब ये लीलाएं हो रही थी तो गोवर्धन जो पर्वत है ना, विशाल, बहुत विशाल हुआ करता था, 30,000 मीटर कहते हैं उसकी ऊंचाई हुआ करती थी तब, 30,000 मीटर, है ना? तो ये क्या है इसकी कथा, गोवर्धन लीला की कथा क्या है इसमें? देखिए, उस समय ना जो ब्रजवासी होते थे, ये गोवर्धन है कहाँ पे, मथुरा से मान लीजिए 20-25 किलोमीटर की दूरी पे, जो ब्रज भूमि पड़ती है वहां है गोवर्धन। आज भी भक्त जो है वो क्या करने की कोशिश करते हैं, मैं भी जब पहली बार वृंदावन गया था 18 साल पहले, मेरे अंदर बस एक ही डिजायर थी, मैं किस तरह से गोवर्धन की परिक्रमा कर लूं और राधा कुंड में स्नान कर लूं। तो गोवर्धन परिक्रमा की एक बहुत हाई लेवल की इंपॉर्टेंस है भगवान की शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने में, जैसे राधा कुंड की हमने आपको सिग्निफिकेंस बताई थी, वैसे ही गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने की बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है ना? बट इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, जब भगवान की लीलाएं चल रही हैं, प्रभु की उस समय उम्र थी 7 साल के करीब, है ना, तो वो एक दिन देखते हैं कि जो गांव में सभी लोग ना, वो किसी यज्ञ की और पूजाओं की सामग्री और उस सब की तैयारी हो रही है, तो अपने कान्हा जी जाके पूछते हैं नंद बाबा से कि भाई क्या कर रहे हो आप लोग, ये किसकी पूजा हो रही है, क्या हो रहा है, यज्ञ वगैरह की तैयारी हो रही है? तो पहले तो नंद बाबा सोचते हैं छोटा सा बच्चा है, उसको क्या बताना है, तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं, बट बिकॉज वो पीछे पड़ जाते हैं, हमारे कान्हा जी पीछे पड़ जाते हैं नंद बाबा के, भाई मुझे बताओ ये कर क्या रहे हैं आप लोग, क्या हो रहा है, कोई शास्त्रों के हिसाब से किसी की विधि विधानों से कोई पूजा हो रही है, क्या हो रहा है ये सब? तो कहते हैं कि भाई जो इंद्रदेव है ना, वो जो है बारिश के देवता है,
और वो बारिश देते हैं हमें, और बारिश की वजह से ही हमारा गाड़ी चलती है, जीवन की जीवन व्यापन होता है। तो हम इस दिन इंद्रदेव की पूजा करते हैं। तो अब देखिए, लीलाओं में ना बड़े सारे डायमेंशन होते हैं। अब भगवान तो सब कुछ जानते हैं, इंद्र जी कौन है, स्वर्ग के राजा हैं, और भगवान के क्या है, वो भगवान के बड़े उच्चतम भक्त हैं। लेकिन कौन से भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, मिश्रित भक्त हैं? मिश्रित भक्त हैं, कामनाएं भी बहुत है उनके अंदर। तो जो भक्त जो होते हैं भगवान के, उनको मटेरियल डिजायर जिनकी खत्म नहीं होती, पर भक्ति बहुत अच्छी करते हैं, उनको क्या मिल सकती है, उसको पोजीशन मिल सकती है, इंद्र की पोजीशन मिल सकती है, आपको स्वर्ग का राजा बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इंद्र जी के साथ क्या हो रहा है कि उनको एक अहंकार आ गया हुआ है कि मेरे पास बहुत पावर है, और अगर मैं बारिश ना करूं, ठीक है, तो इन लोगों का क्या होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए हमेशा कि जब पावर पोजीशन आती है तो मैक्सिमम लोगों के साथ गड़बड़ क्या हो जाती है, हम सबके साथ क्या हो जाता है, हमारे अंदर क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है ना। और जो गोवर्धन जी हैं वो भी भगवान के भक्त हैं, बट वो शुद्ध भक्त हैं। मिश्रित भक्त में इंद्र जी, शुद्ध भक्त गोवर्धन, ठीक है। तो प्रभु तो अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, मिश्रित होंगे तो भी उनके अंदर अहंकार आ गया है इंद्र जी के अंदर, तो अब प्रभु का काम है उस अहंकार का क्या करना है, नाश करना है। तो प्रभु को भी लीला भी रचनी है, और मुझे और आप सबको एक मैसेज भी देना है। कल भी मैं एक फ्रेंड के साथ बैठा था, वो दूसरे फेथ से है, वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, पर ये इंद्र जी आ जाते, वो आजकल महाभारत देख रहे हैं, कहते ये कभी इंद्र आ जाते हैं, कभी ये है क्या, मतलब भगवान है कौन, समझ नहीं आ रही है ना। तो इस लीला के थ्रू भगवान ने हम सबको बड़े स्पष्ट रूप में बताया कि वो कृष्ण ही स्वयं भगवान है, कृष्णा तो भगवान स्वयं, राइट, ये क्लियर किया। और साथ साथ में ये भी समझाया कि पूजा किसकी होनी चाहिए, डायरेक्टली भगवान की पूजा होनी चाहिए, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, ये क्लियर किया हमें। अनन्य भक्ति का मतलब ये होता है किसकी भक्ति करो, बहुत सारे लोगों की भक्ति करो, बहुत सारी पावर्स की भक्ति करो, या केवल और केवल अनन्य, किसी और की नहीं, केवल भगवान की पूजा होनी चाहिए, राइट। तो यही बात अब उन्होंने ब्रजवासियों को कह दी कि नहीं भाई, इंद्र की पूजा क्यों करेंगे, गोवर्धन की पूजा होगी, और गायें हैं और जो ब्राह्मण है उनकी पूजा होनी चाहिए, गोवर्धन से ही तो हमें सब कुछ मिलता है, राइट, गायें ही हमें सब कुछ देती हैं, ब्राह्मण है उनकी पूजा करेंगे। अब सब लोग, ये छोटा सा बच्चा है, इसको समझ नहीं है, और इंद्र देवता के प्रकोप से हमारा सत्यानाश हो जाएगा, और इतने सालों से हम ये एक एक प्रथा चलती आ रही है। तो कॉमन मैन थिंकिंग क्या होती है, एक प्रथा चलती आ रही है तो प्रथा को चलाते रहो, अगर प्रथा नहीं चलाई तो क्या हो जाएगा, देवी देवताओं का प्रकोप आ जाएगा। तो इसलिए डरते हैं सब लोग और मना कर देते हैं, बट आपको तो पता है हमारे कृष्णा जी अगर कुछ करना चाहें तो ऐसा तो कुछ है नहीं जो हो नहीं सकता। तो वो बड़े स्टबन जिद्दी हो जाते, नहीं ये पूजा नहीं होगी, अब से हम गोवर्धन की पूजा किया करेंगे। तो एनी फाइनली कृष्णा जी से प्यार भी सभी करते हैं ब्रजवासी, और फाइनली वो इस बात को मान लेते हैं कि भाई गोवर्धन की पूजा होगी। तो गोवर्धन की पूजा की जब वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये मैसेज जो है इंद्र जी को पहुंच जाता है। अब इंद्र जी को क्या होता है, क्रोध आता है, मेरी पूजा नहीं हो रही, और एक छोटे से बालक ने, ये बच्चों को, ये बच्चा है क्या है, ये माया भी कुछ है, क्योंकि इसने भ्रमित कर दिया है सबको, और मेरी पूजा नहीं कर रहे ये लोग, राइट। इससे क्या समझना चाहिए, इंद्र जी के साथ क्या है, इंद्र जी के अंदर अहंकार है, और देवी देवताओं के, गॉस देवी देवता भी बहुत, जैसे इंद्र जी हैं, माया के प्रभाव में आ जाते हैं बहुत जल्दी, तो उनके अंदर अहंकार आ जाता है। और क्या होता है दूसरा, अगर उनकी पूजा कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल, और अब नहीं करोगे तो उनका प्रकोप हो सकता है, राइट। जबकि भगवान की पूजा में, अगर आपने करोड़ जन्म से भी भगवान की पूजा नहीं की, और अगर आप थोड़ी सी भी पूजा कर लेते हो ना, भगवान आपको बड़े खुश हो जाते हैं आपसे, समझ रहे हैं डिफरेंस देवी देवताओं में। इंद्र जी ने ये नहीं सोचा कि वो इतने सालों से मेरी पूजा कर रहे हैं, राइट, बट इस साल में वो उनकी पूजा नहीं करेंगे, उनको इंसल्ट मिल गई है, तो क्या हो गया। आप थोड़ा ह्यूमन लेवल दिख रहा है आपको, ह्यूमन लेवल में होती है ये सब चीजें, मेरे से तुम अच्छी बात करते थे, अब तुम मेरे से अच्छी बात नहीं करते हो, राइट, नाराजगी आ गई,
तो देवी देवताओं के लेवल पे ना ये चीज बड़ी कॉमन है, बिकॉज वो माया के अधीन है ना, तो माया उनको प्रभावित कर जाती है बहुत जल्दी, और वो क्या फंस जाते हैं, अच्छा मेरे साथ तुमने अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हें बताता हूं, राइट। तो इसमें भी एक बिजनेस का भाव है कि तुम मेरे साथ अच्छे रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहूंगा, और तुम मेरे साथ अच्छे नहीं रहोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद भी कर सकता हूं। अगर हम ये वर्ल्डली लाइफ में भी देखें, जो पावरफुल लोग होते हैं, क्या उनका नेचर होता है ऐसा? अगर तुम मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ हो जाएगा, और अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो तुम्हें बर्बाद भी कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो इंद्र जी के दिल में अब क्रोध आ गया है, क्रोध आ गया है, और वो तबाह करना चाहते हैं, ये वृंदावन को मैं तबाह कर दूंगा, ठीक है। और वो अपने बड़े जबरदस्त स्ट्रॉन्ग उनके बादल होते हैं, उनको बोलते हैं कि ऐसा तूफान करो, ऐसी वर्षा करो, कुछ नहीं बचना चाहिए यहाँ, फ्लड फ्लड आ जाना चाहिए टोटल, ठीक है। अब बहुत भयंकर तूफान आ जाता है ना, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है बहुत तेज मूसलाधार, और ब्रिजवासी डर जाते हैं, और ब्रिजवासी डरते हैं और फिर भगवान की शरण में आते हैं। देखो पहले तो कृष्णा तुमने क्या कर दिया, हमने तुम्हारी बात मानी, देखो अब हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें बचाओ, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें बचाने की। तो भक्त क्या करते हैं, जब भक्तों के जीवन में कोई मुसीबत आती है तो वो क्या करते हैं, उनका ध्यान कहाँ जाता है, सामाजिक इंसान का ध्यान नशों में जाता है, उल्टी सीधी हरकतों में जाता है, डिप्रेशन में जाता है, भक्तों का ध्यान और पहले भी भगवान में होता है लेकिन और किस में बढ़ जाता है, आप भगवान की शरण में और बढ़ जाता है उनका ध्यान, है ना। कृष्णा जी कहते हैं टेंशन मत लो आप, कोई बात नहीं, चलो मैंने आपको कहा था ना गोवर्धन पूजा करो, कोई बात नहीं, ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं भी रक्षा आपकी करूंगा। तो क्या मैसेज लेना चाहिए आपको, जब भी दिव्य जीवन में मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स आपसे जीवन में आ जाएं, ठीक है, तो क्या आपको पंडितों के पास जाके अपने टीप दिखाना शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है, तांत्रिकों के पास जाओ कि मेरे पास भूत प्रेत नहीं, मेरे पे चिपक गया, ठीक है, नशे लेना शुरू कर दो जैसे ब्रिजवासियों ने किया, कि प्रभु की शरण में जाओ, क्या करना चाहिए, प्रभु की शरण में जाओ, राइट। ये हमेशा सीखना चाहिए हमें, चाहे वो द्रौपदी के चीरहरण से आपने सीखा या फिर ब्रिजवासियों की प्रभु के शरण में जाने से सीखा। एकमात्र हमें हमेशा, चाहे आप वेल्दी हो, गरीब हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, आपकी फैमिली है, फैमिली नहीं है, फैमिली बहुत अच्छी है, फैमिली बहुत बेकार है, डिपेंडेंस कभी भी बाहर की चीजों पे, बाहर के लोगों पे नहीं रखनी है। डिपेंडेंस किस पे रखनी है, शरणागति का मतलब क्या है, प्रभु मैं मूर्ख हूं, मैं दीनहीन हूं, मेरे पास आपके अलावा कोई शरण नहीं है, इसी भाव से जीवन जीना है हमने। और खासकर जब लाइफ में बहुत डिफिकल्टी आए, ये भाव हमारा बिल्कुल क्लियर और स्ट्रांग हो जाना चाहिए। सत्संग का ये लाभ होता है, अब आपको पहले, अभी आपका मुश्किल समय नहीं चल रहा, बट आपकी ये बातें सीखी होंगी ना, जब मुश्किल समय आएगा तो आप क्या करोगे, आप उल्टे सीधे ट्रैक पे नहीं जाओगे, आप कहाँ चलोगे, नहीं मुझे भगवान जी की शरण लेनी है। ऐसी कौन सी मुसीबत है, अपनी सारी मुसीबतों को बता दीजिए, हम कृष्ण भक्त हैं, प्रभु हमारे साथ हैं, जैसे ब्रिजवासियों की रक्षा हुई तो होगी वैसे ही हमारी होगी, टेंशन क्या लेनी है आपको, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। फिर क्या हुआ, ब्रिजवासियों ने जब भगवान से रिक्वेस्ट की तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आओ, वो गोवर्धन की तरफ चलते हैं, और भगवान जो है वो अपनी लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली के नाखून से, थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए इस बात को, मुझे और आपको ये बोला जाए, ये घड़ी है मेरी एक, ठीक है, ट्राई मार के देखिए जरा, एक छोटी उंगली के नाखून पे मुझे घड़ी को भी देखिए गिर गई, 1 सेकंड को भी उठाना है, ये है मेरा और आपका लेवल, नहीं कर सकते हम। तो भगवान श्री कृष्ण के ना अवतार में उन्होंने ना बड़े सारी एक्टिविटीज ऐसे करके बताई है, ये बताने के लिए कि वो भगवान स्वयं है, ठीक है। भगवान के बहुत सारे और भी अवतार हैं, उसमें ना बड़ा सारा रोल भगवान का ना एक एक पर्टिकुलर रोल में होते हैं भगवान, तो भगवान पूरा डिस्प्ले नहीं करते कि वो भगवान है, पूरा डिस्प्ले पावर्स का कहाँ करते हैं, वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में पूरा डिस्प्ले है कि वो डायरेक्ट भगवान है, बाकी सब में ना उन्होंने एक सर्टन लेवल का रोल प्ले किया होता है, तो वो थोड़ा प्राइवेट रखते हैं कि वो भगवान है ना। तो जैसे कालियानाग पे डांस और अब गोवर्धन लीला, ठीक है, डायरेक्ट बताया जा रहा है कि मैं ही भगवान हूं, बिकॉज ये जो एक्टिविटीज यहां सुन रहे हो आप, भगवान के अलावा ये कोई भी एक्टिविटीज ऐसी कोई भी नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए,
एक लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली के नाखून के ऊपर एक 7 साल की उम्र में है वैसे वो दिखने में। तो कल्पनीय है या अकल्पनीय है? भगवान की लीलाएं बुद्धि के परे हैं, अकल्पनीय है। इसका आनंद लूटिए, बोलिए हमारे कन्हैया लाल की जय हो, है ना। एक छोटी उंगली के नाखून से भगवान ने कितने देर के लिए गोवर्धन को उठा लिया? 1 मिनट के लिए। नीचे करेक्ट आंसर लिखना है आपने। 2 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए, 7 घंटों के लिए, 7 दिन के लिए, 7 रातों के लिए गोवर्धन को उठा लिया भगवान ने, है ना। बोले गिरिराज गोवर्धन की जय हो, हमारे कन्हैया लाल की जय हो, है ना। 7 दिन के लिए, और साथ में बांसुरी बजा रहे हैं, सबका एंटरटेनमेंट हो रहा है, भक्त भूल भी गए, कोई तूफान आ रहा है, कोई बिजली पड़ रही है, वो सब सोचते हैं। वाह यार, ये तो कितना एंटरटेनिंग टाइम है। जैसे आप हॉलीडे पे नहीं चले जाते कई बार, और रूटीन लाइफ में तो आपको बड़े सारे काम करने होते हैं, जब हॉलीडे पे जाते हो तो कोई काम नहीं करने होते आपको, राइट। तो ब्रजवासी सोच रहे हैं ये तो वाह कितना आनंद आ रहा है, कृष्णा की बांसुरी मिल रही है, सब लोग डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ट्रेजिडी में भी कॉमेडी हो जाती है जब आप भगवान की शरण में आएंगे। सुनिए, ध्यान से सुनिए इस बात को। ये देखिए मूसलाधार बारिश है, फ्लड चल रहा है, तूफान आए हुए हैं, ये कोई आनंद लेने का समय है? ये ट्रेजेडी है क्या? है ये ट्रेजेडी है ना संसारिक। लेकिन वो गोवर्धन पर्वत के नीचे सब लोग प्रभु की बांसुरी सुन रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई भजन गा रहा है, ये क्या चल रहा है आपको? ये कॉमेडी चल रही है या ट्रेजेडी चल रही है? ट्रेजेडी में कॉमेडी हो जाती है जब आप भगवान की शरण में आओ। ये बातों को गांठ बांध लीजिए, आप हमारे साथ चलिए 4-5 साल, जीवन में आपकी ट्रेजिडी हो रही होंगी, आप आनंद लूट रहे होगे, फर्क नहीं पड़ रहा होगा आपको, तो आप तब मेरी बात को याद रखोगे, क्या होता है ट्रेजिडी में कॉमेडी। आपको ड्रामा करना पड़ेगा संसारिक लोगों के साथ कि हाँ यार थोड़ा दुखी होने का एक्टिंग तो कर लो, नहीं तो ये लोग कहीं पागल ना समझ ले मुझे। मेरी बात बड़ी बार होता है कि मुझे ना दुखी होने की एक्टिंग करनी पड़ती है, अब दोस्तों के साथ कुछ बड़ी सीरियस चीज चल रही होती है, अब मैं वहां हंसना शुरू कर दूंगा, ये बोलेंगे भैया इसका दिमाग सटक गया। हाँ यार, नहीं सच में यार, बड़ा मुश्किल समय चल रहा है यार, बात करनी पड़ जाती है, संसार में रह रहे हो, तो ट्रेजिडी में कॉमेडी हो रही है वहां पर, सब नाच रहे हैं, भजन चल रहे हैं, भूल ही गए, अब ऊपर से इंद्र परेशान, सारे बारिश कर करके बादलों में, बादल भी आ गए, भगवान इंद्र जी हमारा सारा पानी खत्म हो गया, बादलों का पानी खत्म हो गया है ना, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है वहां नीचे, तो आनंद भी लूट रहे हैं, कृष्ण जी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और तो इंद्र को कुछ संदेह हुआ कि ये एक छोटा सा बच्चा, ये नॉर्मल बच्चा नहीं है। अब यानी कि आपको क्या पता चल रहा है इससे? भाई इंद्रदेव भी भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते, जिनका दिमाग मेरे से और आपसे करोड़ों अरबों गुना ऊपर हाई लेवल का दिमाग है, जब भगवान लीलाएं करते हैं ना, तो बड़े बड़े देवी देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए आप। तो जब आप श्री कृष्ण लीलाएं देखते हो, टीवी पे कुछ देखते हो, उसको ना लॉजिक से मत देखा करो, नहीं तो क्या भ्रमित हो जाओगे आप, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े देवता भ्रमित हो जाते हैं। एक और लीला में ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए थे, किसी दिन आपको वो भी लीला सुनाएंगे। इंद्र जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं भाई ये हुआ, और अपनी व्यथा सुनाते हैं कि ये एक छोटा सा बच्चा है और मेरी सारी पावर्स खत्म हो गई हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भाई इंद्र जी वो छोटा सा बच्चा नहीं है, आप कहाँ अहंकार में फंस जाते हो, आपको पता नहीं चलता, भगवान ड्रामा कर रहे हैं भाई, भगवान है वो, सर्वे सर्वा है, सर्वेश्वर है, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी शियंट जिनको कहते हो आप, सच्चिदानंद है वो, लीलाएं चल रही हैं उनकी। तो इंद्र जी को अपनी गलती रियलाइज होती है, उनको रियलाइज होता है कि वो कितने ज्यादा अहंकार में फंस गए थे, और वो प्रकट होते हैं वहां पे और क्या करते हैं, भगवान जी से क्षमा मांगते हैं कि प्रभु मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं पापी हूं, मैं अहंकारी हूं, मैं आपकी माया में फंस गया प्रभु, और मुझे अपनी पावर्स का घमंड हो गया था, है ना। तो फिर क्या होता है, प्रभु क्या है, प्रभु कृपालु हैं, प्रभु जो है इंद्र जी को क्षमा देते हैं,
क्षमा कर देते हैं। तो क्या समझना चाहिए आपको? प्रभु से अगर आप क्षमा, गलतियां हो सकती हैं भाई, दिनदर जी से भी गलतियां हो जाती हैं, तो मैं और आप क्या किस खेत की मूली हैं? आप गलतियां होंगी, लेकिन क्या कर लो, जैसी गलती को रियलाइज करते हो क्या कर लो, फटाफट प्रभु से माफी मांग लो। कई बार लोग गलती करते फिर माफी मांगते हो, इसका क्या फायदा? मतलब आप क्या चाहते हो, गलतियां करते रहो, माफी मत मांगो? राइट, ऐसे लोगों को ऐसे समझाया करो, ऐसी मूर्खता वाली बातें करते हो भाई। गलती हो रही है, इंसान हो आप, गलती करोगे, जब रियलाइज करते तो माफी मांगो ना भगवान से। ये क्यों सोच रहे हो गलती हो गई है, माफी नहीं मांगूंगा, अब गलतियां तो हो ही रही जा रही है। मतलब आप डूबते जा रहे हो तो डूबते जाओगे? नहीं, प्रभु ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है। जैसे इंद्र जी ने माफी मांगी प्रभु से, तो प्रभु ने माफ कर दिया ना भाई, ऐसा थोड़ी कि स्वर्ग का राज छीन लिया उनसे, फिर भी चलता रहा। ये प्रभु है हमारे, समझ रहे हैं आप? देवी देवताओं की भक्ति में और प्रभु की भक्ति में अंतर जानिए आप थोड़ा सा। जब आप लोग डरते हो ना, तो देवी देवताओं से थोड़ा डरना पड़ता है, डर आ जाता है वहां पे। जब प्रभु की भक्ति करते हो तो निर्भयता, आनंद, क्योंकि प्रभु जो है आपकी गलतियां नहीं देखते, वो आपके छोटे 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 प्यारे प्यारे आप जो प्रयास कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई करके, और मल्टीप्लाई करके आपको फल दे देते हैं। ठीक है, तो अब इंद्र जी का अहंकार टूटता है, और हम सबको मैसेज क्या जाता है कि हम सबको डायरेक्टली जो है भगवान की शरण में रहना चाहिए। और फिर क्या होता है, सब मिलके उत्सव की तौर पे, अब 7 दिन से भाई भगवान श्री कृष्ण वहां खड़े हैं, गोवर्धन को उठाया, ना उन्होंने कुछ पिया है ना कुछ खाया है। अब वैसे तो भगवान को क्या खाने और पीने की कोई जरूरत है, उनको तो जरूरत नहीं है, लेकिन भक्तों के भाव को ग्रहण करने के लिए है ना। तो अब क्या होता है, गोवर्धन की पूजा होती है, 56 भोग लगते हैं, ठीक है, सब नृत्य करते हैं, कीर्तन होता है, और गोवर्धन में से विशालकाय गोवर्धन रूप प्रकटी हो जाता है वहां पे। और जो भोग, जैसे आप नॉर्मली भोग लगाते हो, तो क्या आप भगवान प्रकट होके खाते हैं उस समय पे? दिखते हैं आपको भगवान खाते हुए? आपको दिखते नहीं है भगवान, आप बस अर्चवी ग्रह के सामने अपना भोग रखते हो, थोड़ी सी प्रेयर्स करते हो, और इसको मानते हो कि हाँ भगवान ने इसको ग्रहण कर लिया होगा। कुछ देर के बाद उसको लेके जाते हो, और फिर क्या होता है, वो आप उसको फूड में मिक्स करते हो तो वो आपका प्रसाद बन जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि गोवर्धन पर्वत जो है विशालकाय रूप में भगवान जी प्रकट हो जाते हैं उसमें। तो बोलिए, गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय हो, है ना। तो अब प्रकट होके वो स्वयं खा रहे हैं और कह रहे हैं मेरा पेट ही नहीं भर रहा भाई, मुझे और खिलाते चलो, और वो खिलाते चलते हैं, खिलाते चलते हैं। पाली बलराम जी वहां कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, भैया अभी तक तुलसी महारानी होनी चाहिए, तभी भगवान सेटिस्फाई होंगे। तो तुलसी महारानी को ऑफर किया जाता है फिर वो के साथ, और फिर जो है भगवान कहते हैं अब मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, प्रैक्टिकल नहीं है तो किसी तरह से भी भोग लगाइए, बट जहां जहां पॉसिबल हो सकता है तो तुलसी महारानी को ऑफर में कर रही है भगवान के साथ, एक दो पत्ते या थोड़ा उसको तुलसी महारानी भी आप जब भोग लगाते हो उसमें हो, तब भगवान उसको ग्रहण करते हैं, तब भगवान को संतुष्टि मिलती है। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि आप अमेरिका में हो या कनाडा में हो और आप तुलसी महारानी नहीं मिल रही है तो आप भोग लगाना बंद कर दो। भोग तो लगाना ही है, ठीक है, लेकिन अगर तुलसी महारानी आप डाल सकते हैं उसमें एक दो पत्ते, है ना, और फिर भोग लगाएंगे तो भगवान जो है ज्यादा अच्छे से ज्यादा संतुष्ट होते हैं, है ना। तो अब भगवान जो है वो बहुत संतुष्ट होते हैं, और तब से प्रथा बन जाती है कि ये जो दिवाली के बाद ये हमारे आता है शुक्ल पक्ष के, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपा तिथि कहते हैं इसको, जो आज है बेसिकली ना। तो ये एक सबसे ऑस्पिशियस डे में आता है, गोवर्धन पूजा का डे, है ना। तो इस पूरी कथा से हम बहुत सारी लर्निंग्स ले सकते हैं, है ना। टेक अवे क्या है, नीचे लिख के बताना है आपने, क्या क्या लर्निंग लेंगे आप इससे। नंबर 1, एक मिश्रित भक्ति है, और गिरिराज गोवर्धन ने कौन सी भक्ति की, शुद्ध भक्ति। तो भगवान को ज्यादा प्रिय कौन है, एक को दंड मिल रहा है एक को सम्मान मिल रहा है। मिश्रित भक्ति मत करो, शुद्ध भक्ति करो, प्रेमा भक्ति करो। वो गिरिराज गोवर्धन जो है वो सबका भला करते जा रहे थे, उनको कोई मान सम्मान नहीं चाहिए था, गायें भी खा रही है, गांव के लोगों के लिए भी फल फ्रूट दे रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए था उनको अपने लिए। तो प्रभु को कौन है, जो जितना विनीत होगा ना भक्त प्रभु को, वो उतना ही प्रिय होता है ना।
इसलिए हम सबको क्या करना है, ध्यान रखना है कभी भी, बिकॉज सेवा तो बहुत देखिए डिवोटीज करते हैं, लेकिन साथ में हम सब सेवा का अहंकार ले लेते हैं, इसलिए अहंकार से बचिए। देखिए इंद्र जी भी वैसे भगवान की सेवा ही कर रहे हैं ना, स्वर्ग के राजा हैं, उनको पावर्स दी हैं भगवान ने मैनेजमेंट की, बट साथ साथ में क्या हो गया उनको, कभी भी जो आप योग्यता है, आपको जो बल मिला है, धन मिला है भाई, सम्मान मिल रहा है, इंद्र जी की तरह कभी भ्रम मत कीजिए कि वो आपका है, आपका नहीं है वो। देखिए उदाहरण के तौर पे मुझे भगवान ने ज्ञान दिया, भक्ति भाव दिया, मुझे आइडियाज देते हैं कि मैं आप सबके हाथ ज्ञान बांटूं, है ना, आपको इनकरेज करूं। अगर मुझे ये लगना शुरू हो गया ना कभी कि ये मेरा है, तो ये हमारे पतन का कारण बन जाएगा। इसलिए मैं रोज रात को सोने से पहले भगवान कहता हूँ, प्रभु जो भी मैं आज आपकी सेवा कर पाया हूँ, प्रभु ये आपकी कृपा है, मेरी कोई औकात नहीं है भगवान, कभी भी सेवा का अहंकार ना आए, और जो मुझसे गलतियां हुई हैं प्रभु मुझे उसके लिए क्षमा करना, कल मैं और अच्छे से आपकी सेवा कर सकूं प्रभु, ऐसा वरदान देना। मैं तो अहंकारी हूं, मैं तो मंद बुद्धि हूं प्रभु, मैं तो संसार की माया में फंसा हूं, बहुत करोड़ों जन्म से फंसा हुआ, अभी भी फंसा ही हूं, पर प्रभु आप मेरी उंगली कभी मत छोड़िएगा, और मुझे इतनी मोटिवेशन दीजिए, इतना उत्साह दीजिए प्रभु कि मैं लाखों करोड़ों लोगों को आपके चरणों की तरफ अट्रैक्ट कर सकूं। तो ये प्रेयर जरूर करते रहिए, इनफॉर्मल रहिए, कोई ऐसा नहीं कि आपको बड़ी संस्कृत पढ़ोगे तभी भगवान, प्रेयर्स कभी भी ये मत सोचिए मैं तो बहुत अच्छा हूं भाई, मेरे में क्या अहंकार है, यहाँ फंस जाओगे आप, ये सोचोगे ना आप कि मेरे अंदर बहुत अहंकार नहीं है यार, भैया अहंकार इतना सूक्ष्म होता है आप कभी नहीं जान सकते उसको, सूक्ष्म होता है अहंकार, और खासकर सात्विक अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, जो परशुराम जी हैं, जो भगवान के स्वयं अवतार हैं, उनको नहीं पता चल रहा उनके अंदर अहंकार है, उसको तोड़ने के लिए शिव तनुष तोड़ा जाता है, याद कीजिए वो कथा जहां पे प्रभु राम जब सीता माता के स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ते हैं, तब परशुराम जी का अहंकार टूटता है, सूक्ष्म होता है बहुत अहंकार। ठीक है, तो अहंकार के रोग से बचिए, ठीक है, इसलिए विनीत होके जो भी प्रभु ने आपको दिया है वो किसका है, मेरा नहीं है ना आपका है, प्रभु ये आपका है, और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको जगत कल्याण में प्रभु आपकी प्रसन्नता के भाव से, इसलिए नहीं कि सब मुझे यश देंगे, कीर्ति देंगे, सब मेरा अच्छा गुणगान करेंगे, ठीक है, इंद्र जी ने गड़बड़ की ना, ये मैं कर रहा हूं सबका भला, इनको मेरी पूजा करनी चाहिए, और पूजा नहीं की तो फिर नाराज हो गए, गुस्सा कर दिया, जैसे हम संसारिक लोग करते हैं, आप बड़ा अच्छा कर रहे हो किसी का, मान लीजिए आपके घर में हेल्पिंग स्टाफ आता है, आपने उसको बड़े कपड़े दिए, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा सैलरी भी दे दी, और मान लीजिए उसने 2 दिन छुट्टी मार ली, तो आप बताइए सच में आप कैसा फील करते हो, क्या फायदा हुआ इन लोगों के साथ, हमने इतना किया और देखो आज मुझे जरूरत पड़ी थी तो आई भी नहीं, हो गए ना आप नाराज, मूड ऑफ कर लिया आपने, इससे बचिए, इससे बचिए। आपने किस लिए किया था वो, कि आपके काम अच्छे कर दे वो, देखिए वो उसका कर्म है, उसने सही किया या नहीं किया, बट आपका कर्म क्यों था, किस भाव से किया था आपने, क्या आपने सच में भगवान की सेवा समझ के किया था उस गरीब का भला, या इसलिए किया था कि आपकी जरूरत पड़ने पे वो आपके लिए काम करने आएगा, गलत एटीट्यूड गलत हो गया ना हमारा, फिर इंद्र जी वाला एटीट्यूड आ गया कि मैंने किया था तो मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी, फिर आपने उसके पैसे काट लिए अगली बार, उससे बदतमीजी से बात भी, नाराज भी हो गए, ये कौन सा आइडिया है, ये जो इंद्र जी ने किया, गुस्सा किया ना स्वार्थ वाला, इस तरह से लीलाओं को जोड़ा करो। और मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूं, जब भी हम कोई कथा आपको सुनाते हैं, आपने उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को कथा में जिसको रोल मिला हुआ है, जैसे इंद्र जी को इस एग्जाम्पल में, अब इंद्र जी की कहीं निंदा करने मत बैठ जाइएगा, देखो इंद्र ऐसा करते हैं तो वैसा करते हैं, राइट, वो लीलाएं हैं, रोल प्लेज हैं, हमारे पुरानी कथाओं का तरीका है हमें समझाने का, स्टोरीज की फॉर्म, उन कैरेक्टर्स की निंदा नहीं करनी है, उनसे सीखना है कि हम गलती क्या ना करें, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें आपने, ठीक है, क्योंकि जहां आप है ना और मैं हूं उसके कंपैरिजन में, जहां इंद्र जी बैठे हैं ना भाई, भगवान के बहुत महान भक्तों की बात हो रही है यहाँ पे, जिनको स्वर्ग का राज बना दे दिया है भगवान ने, वो बहुत चहेते भक्तों में आते हैं उनके, तो जब कथाएं सुनते हो कभी गलती से, बिकॉज मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ कि हमारे अंदर ना जजमेंटल बिहेवियर कूट कूट के भरा है, फिर हम क्या करते हैं कि हम पता चलेगा कथा से अपने अंदर के अहंकार को नाश करने के चक्कर में, ना पढ़ने की जगह हम कहीं पता चला इंद्र जी की बुराइयां करना शुरू हो गए यहाँ पर, उस चीज से भी बचेगा, है ना, तो शुद्ध भक्तों को भगवान टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, गिरिराज गोवर्धन, तो हमें कौन सी भक्ति की तरफ जाना है, शुद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति नहीं, अहंकार के रोग से बचिए, ठीक है। तीसरा, भगवान ने क्लियर इंडिकेशन क्या दिया, आप डायरेक्टली मेरी पूजा करो,
तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन आती है, मैं उस देवी माता को मानता था, मैं उसको देवता को मानता हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी कुल देवी वो है, मैंने तो सांपों की पूजा करता था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, और पूरे पूरे ईयर में इतने सारे फेस्टिवल आ जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो क्या करूँ, अब इस दिन मैं ये वाली माला करूं या वो वाली माला करूं, आज तो ये वाली मुंद माला है, आज तो उस माता रानी का, क्लियर अनन्य भक्ति कर रहे हो। भगवान को जब आप पानी पिलाते हो, यानी कि जड़ों को पानी पिलाते हो, पत्तों को पानी मिलता है, जब आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे होते हो, उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, आपको कुछ अलग 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 ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, और उससे डरना नहीं होता आपने कि कोई देवी देवताओं का प्रकोप तो नहीं आ जाएगा। जैसे गोवर्धन को उठा के भगवान ने ब्रजवासियों के थ्रू मुझे और आपको क्या मैसेज दिया, किसी भी देवी देवता का प्रकोप आ जाए, संरक्षण कौन देगा आपको, भगवान देंगे आपको, ठीक है। तो इसलिए कोई नथिंग नथिंग टू वरी। आप में से बहुत सारे लोग, अगर हमने वैसा नहीं किया तो वो देवी देवताओं की पूजा नहीं की तो क्या होगा, कुछ टेंशन मत लीजिए ना। ब्रजवासियों को क्या हुआ, देखिए उन्होंने आनंद आनंद लूटा, भगवान ने लीला की उनके साथ, और हम सब आज कथा का आनंद उठा रहे, कुछ नहीं हुआ, राइट। टेंशन नहीं लेनी है। जब आप देखिए, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर पर्सनली जानते हैं तो क्या आपको अपने एरिया के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से डरने की जरूरत है, यू डोंट डू यू नीड टू वरी। एसपी क्या करेगा आपका, कमिश्नर ऑफ पुलिस से डरोगे, डेप्टी कमिश्नर से डरना है आपको, एमएलए से डरोगे, किसी से नहीं डरना है आपको, बिकॉज आप प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली जानते हो। वैसे ही जब आप भगवान श्री कृष्ण से भक्ति करते हो, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि इतने सारे देवते भाई, करोड़ों देवता है, देवी देवता है, राइट। आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, इस दिन मैं इसकी पूजा करूं, उस दिन मैं उसकी पूजा करूं, नहीं, अनन्य भक्ति नहीं होगी फिर आपकी, ठीक है। आपने अपना हर एक फेस्टिवल में क्या करो, सत्संग साधना सेवा सदाचार, सिंपल, कंफ्यूजन खत्म। सत्संग साधना सेवा, हमने अपने सत्संग बढ़ाने हैं, हमने अपनी साधना करनी है, खूब हरि नाम करना है, सारे देवी देवता उससे प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। दिस नथिंग टू वरी, कुछ नहीं सोचना है अपना, जितना सिंपल रखोगे उतना आसान रहेगा, है ना। और क्या लर्निंग ले सकते हैं आप गोवर्धन की इस पूजा के लीला से, और कोई लर्निंग ले सकते हो, देखिए भगवान के भक्तों के कितने अलग अलग भाव होते हैं, जब लीला चल रही है ना तो योग माया भी प्रकट होती है उसमें, तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, नंद बाबा और हरे गोपाल, बाल गोपाल, सखा गोपियां, उन सबको क्या लग रहा है, हाय हमारा ये ना, हमारा बच्चा है ये थक जाएगा, ये कैसे उठा सकता है, वो सब अपनी छड़ियां लेके क्या करते हैं, सब छड़ियां लेके गोवर्धन के अंदर, गोवर्धन को उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो योग माया के अंदर भक्तों को कभी ये लगता ही नहीं है कि ये प्रभु जो है, ये प्रभु है, ये ब्रह्मांड के स्वामी है, उनको ये अपना नंद बाबा को क्या लग रहा है, यशोदा मैया को लग रहा है, ये तो मेरा बेटा है, ये तो इतना कमजोर है, हाय राइट, सभी लोग चलो 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 इसकी हेल्प करो, राइट तो योग माया की देखिए भक्ति के अंदर रस क्या होता है। उधर भगवान ने खड़े होकर जब गोवर्धन पर्वत भी उठा दिया, तब भी योग माया के प्रभाव से जो उनके शुद्ध भक्त हैं, उनको उनको लग रहा है हमें भगवान को सपोर्ट करनी चाहिए, भाव सहन कर, राइट। वो अपनी छड़ियां उठा के गोवर्धन को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शुद्ध भक्ति में योग माया ऐसा प्रभाव करती है कि जैसे इंद्र जी पे योग माया लगी या माया लगी, माया ने प्रभाव डाल दिया अहंकार में आगे, वहां माया चल रही है, राइट। भगवान को भूल गए हैं वो, और यहां पे क्या चल रही है, गोवर्धन लीला में जो भक्त ब्रजवासी हैं उनके अंदर योग माया प्रभाव डाल रही है, वो कृष्ण को छोटी उंगली पे पर्वत उठाते हुए भी ऐसे भ्रमित हैं कि वो ये फिर भी नहीं देख पा रहे हैं कि वो सर्वशक्तिमान भगवान है, उनको फिर भी वो उनका मेरा बेटा है, मेरा मित्र है, वो ही लग रहा है, उसको योग माया कहते हैं। मतलब भगवान के साथ लीलाओं में आनंद है, आनंद लूटने के लिए योग माया वहां पे एक्ट करती है ना। तो आज के दिन हम सब क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा खूब भगवान का नाम लीजिए, और आप में से कोई वृंदावन धाम में तो गोवर्धन परिक्रमा कीजिए, नहीं गए हो तो कोशिश कीजिएगा आने वाले समय में, टाइम बनाइए वृंदावन धाम जाके, हमने क्या करना है, हमने गोवर्धन जी की पूजा करनी है और गोवर्धन की क्या करनी है, परिक्रमा करनी है। आज अगर आप डिजायर करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ भगवान श्री कृष्ण से मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। आप सब कहते हो जब तक आप कि भगवान का बुलावा नहीं आएगा आप नहीं जा सकते, भगवान का बुलावा आ गया है आपको, गोवर्धन लीला का जी कथा सुनी है आपने, भगवान का बुलावा आ चुका है, अभी नहीं जा पाए हो आज इस कथा
में अभी भी कुछ दिन रह गए हैं तो जाओ, नहीं तो प्रैक्टिकली जब भी पॉसिबल हो गोवर्धन परिक्रमा जरूर कीजिए, है ना। और कोई बात नहीं, आज नहीं गए हो तो मानसिक रूप में गोवर्धन जी को याद कीजिए। और इसलिए मैंने आपको कहा, आज एज अ फैमिली बैठ के हमने सबने क्या करना है, इकट्ठे अलग अलग फोनों पे नहीं, स्मार्ट टीवी पे लगाइए, इकट्ठे सब लोग बैठिए एज अ फैमिली, गोवर्धन लीला देखिए बच्चों के साथ, और उनको जो मीनिंग्स मैंने समझाए हैं उनको उनके साथ डिस्कशन कीजिए। देखिए वैदिक परिवारों में अज्ञानता आ चुकी है, हम धार्मिक हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं है कुछ, राइट। तो ये हम आपको सत्संग इतने डिटेल में क्यों करवाते हैं कि एज अ फादर मदर या दादाजी दादी जी हो, नाना जी नानी जी हो, आपका सबसे बड़ा रोल क्या है? आप बच्चों को महंगी कार्स खरीद के दो, आप उनको एक्सपेंसिव ब्रांडेड शूज खरीद के दो, आप उनकी प्राइवेट स्कूलिंग दुनिया के सबसे महंगे स्कूल से करवा दो, या आप उनको ये दिव्य लीलाओं के बारे में बताओ और प्रभु से जुड़ना सिखाओ। सबसे जरूरी काम क्या है आपका? सबसे जरूरी काम है ये, राइट, जो आप करते नहीं हो। और फिर आप बोलते हो आज के बच्चे ऐसे क्यों नहीं करते। भैया आप अपने आप से पूछिए, आपने बच्चों को सिखाया क्या? करियर करियर पैसा पैसा। तो ये आपको यहाँ पे ये बताने का हमारा मेन पर्पस क्या रहता है, ये हमारा एक हम्बल अटेम्प्ट है कि हम अपनी वैदिक संस्कृति को रिवाइव करें। अब आपको नहीं कथा पता होंगी तो आप कैसे बच्चों को बताओगे, बट एक्टिविटीज करो, फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर ग्रोज टुगेदर, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा एज एज अ फैमिली। सब लोगों ने जिनके पास स्मार्ट टीवी है, ये एपिसोड इकट्ठे बैठ के देखनी है, 1 घंटा बनाइए, 23 मिनट वो देखिए, उसके बाद माला कीजिए कि साथ में बच्चों को साथ थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश किया करो, खेलते खेलते उनको समझाया करो, अच्छा बेटा इसका मीनिंग ये है। आप हैरान हो जाएंगे, आपको लगता है कि बच्चों को कुछ बातें समझ नहीं आती, भाई आप थोड़ा सा प्रयास करके देखो, आपको समझ है, इन बच्चों को तो हमसे ज्यादा अच्छा समझ आ गया, हमें क्या समझ आता था 10 साल की उम्र में। जब हम अपने किड्स लिविंग सत्संग में, पॉजिटिव लिविंग के कर सत्संग में बच्चों को कई बार मैं सुनता हूं, तब तो मुझे रियलाइज होता है कि ये बच्चे नहीं है, ये बहुत एडवांस सोल्स हैं, इनको हमसे ज्यादा अच्छा पता है। थोड़ा सा मेहनत करके देखिए अपने बच्चों के साथ, तब आपको रियलाइज होगा कि आप जिनको बच्चे समझे बैठे हो वो आपसे बहुत पहुंचे हुए लोग हैं भाई। थोड़ा सा समय लगाइए उनके साथ, सुनिए उनकी फीलिंग्स, उनकी अंडरस्टैंडिंग जानिए। वो अपनी तुतली तुतली बातों के साथ ऐसी ऐसी बातें करते कि आप बोलोगे मैं 60 साल का हो गया, मुझे ये बातें नहीं करना आती जो बच्चे कर रहे हैं। तो ये आज सबका होमवर्क रहेगा आपका, सब होमवर्क करेंगे। होमवर्क ये रहेगा कि आपने गोवर्धन लीला देखनी है सारी फैमिली के साथ बैठ के इकट्ठे, और उसका तात्पर्य जो मैंने समझाने की कोशिश की वो अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ डिस्कस करना है, डिस्कस करना है। ये कल्चर डेवलप कीजिए अपनी फैमिलीज में, डिस्कशंस खाने में क्या बनेगा, बंद करो इसको प्लीज, कभी कभार कर लो ठीक है, कपड़े कौन से पहनोगे, पढ़ाई में कितने नंबर आए, इन सब बातों को साइडलाइन कर दीजिए अब। और ये जो कथाएं हम बता रहे हैं आपको, ये कीजिए जरा घर में, फिर देखिए आपके घर का वातावरण में क्या पॉजिटिविटी आती, क्या निखार आता है, क्या आनंद आता है। तो सब लोग बोलिए गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय हो, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रभु के चरण कमलों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूं कि मेरे अंदर योग्यता तो नहीं है, पर प्रभु आपकी कृपा से जो मैंने प्रयास किया है, मेरी ये विनती है जो भी सत्संग को सुन रहे हैं उनके में हृदय में प्रेम प्रकाशित करना, उनको शुद्ध भक्ति देना, ये बातें जो मैंने आपके माध्यम से आपकी कृपा से कही वो बातों को समझने की शक्ति देना। हरी हरी बोल, गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय हो। देखिए क्योंकि टॉपिक्स बड़े गहरे होते हैं ये, और आप में से बहुत सारे लोगों ने सुने नहीं होते हैं, तो मुझे हमेशा मैं भगवान से खूब माला करता और प्रेयर्स करता रहता हूँ कि प्रभु मेरे को तो एक तो मैं बिल्कुल ही ना समझ हूँ, ठीक है, और दूसरा हमारे सुनने वाले भी सब ना समझ हैं, तो ये आप ही कुछ कृपा करना प्रभु कि हम ये बातें जो है इतनी गहरे तत्व हैं जो हम आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं उन तत्व को आप समझ पाए। और आपने भी अपने लिए प्रेयर्स करनी है कि प्रभु ये आप प्रार्थना करो कि हम ये बात तो गहराई से समझ पाए। और कोई बात नहीं, अगर एक बार नहीं समझ आता है तो ये पॉडकास्ट भी आ रहे हैं आजकल, इसको एज अ फैमिली सुना करो दोबारा दोबारा,
ना, हम सबको मिलजुल के क्या करना है, अपने वैदिक कल्चर को क्या करना है, रिवाइव करना है। हम सबको क्या बनना है, ग्लोबल वेदिशियंस। 10 साल पहले ये कॉन्सेप्ट हमने समझा। ग्लोबल क्यों, अब ग्लोबल हो गया वर्ल्ड, अब रोक सकते हो मॉडर्नाइजेशन को, रोक सकते हैं। आपको लगता है सब कुछ ग्लोबल हो गया, हमारा इंटरेस्ट नहीं है उस ग्लोबलाइजेशन को रोकने में, मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी की रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा। हमारा इंटरेस्ट ये है कि वैदिक कल्चर को रिवाइव किया जाए और ग्लोबल वेदिशियंस हों जो एक्सटर्नल लाइफ में मॉडर्न भी हों, उनको टेक्नोलॉजी आज के तौर तरीकों के हिसाब से जीवन जीना भी आना होता हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पोजिशन को भी हैंडल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उनकी इंटरनल लाइफ में वो वैदिक हों, उनको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हों, उनको मॉडर्न वर्ल्ड में और इंटरनल लाइफ की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में एक तालमेल बनाना आता हो, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न, राइट? अगर आप एज पेरेंट्स ये सीखोगे, आज दादा दादी आप सीखोगे, तो आप प्लीज, आप रिटायर हो रहे हो तो दुकानें मत खोलिए, रिटायरमेंट की फंड मिल रही है भाई, घर में बैठिए, थोड़ी डिवोशन बढ़ाइए, थोड़े अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। आप रिटायरमेंट होती है फिर आपको टाइम पास करने के लिए दुकान खोलनी पड़ जाती किराने की, राइट? आप क्यों कर रहे हो ऐसा? जीवन भर बच पैसा कमा रहे थे, अब आपके पैसे पड़े हैं, अगर आप टाइम पास करेंगे पैसा कमाने के चक्कर में पड़ गए आप, क्या आपके जीवन का पर्पस पैसा कमाना है? नहीं है। प्लीज जागिए, प्लीज जागिए, आप पैसे कमा चुके हो भाई, अब थोड़ा समय, कम से कम थोड़ा सा समय ईश्वर की भक्ति में वैसे दीजिए जैसे आपने स्कूल में पढ़ाई करने में और ट्यूशन क्लास में पढ़ाई करने में दिया था, नौकरी में 8-8, 10-10 घंटे लगाए थे, डिवोशन करते हो 1 घंटा, उसके बाद आपको लगता है बड़ा आपने पहाड़ उठा लिया। ये आपका रोल है अगर आप दादा दादी दादी बन गए हो, जो यंग पेरेंट्स हैं उनके पास उतना समय नहीं होता, आपको उनके लिए भी डिवोशन करनी है ताकि आप अपने बच्चों को भी संस्कार दे सको, पोते पोती को भी संस्कार दे सको। दिस इज हाई टाइम, अब जागिए प्लीज, अब जागिए, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। और हम सबको मिलके घर घर मंदिर हर मन मंदिर, ये हम सबका सपना होना चाहिए, और ये बेस्ट टाइम चल रहा है इस सपने को साकार करने का। जितनी आपकी आध्यात्मिक प्रगति अब हो जाएगी, हजारों गुना उसका आपको लाभ हो रहा है। इसलिए आजकल हम थोड़ा सा स्पेशल सत्संग कर रहे हैं ताकि आपकी ऊर्जा जो है वो भक्ति के रास्ते में और आगे बढ़े। और आप सब अपने अपने दायित्व को समझिए। अब बहुत साल हमने सोच लिया मुझे समाज ने क्या दिया, भगवान ने क्या दिया, ये प्रश्न उठाने का समय आ गया है कि मैंने भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या किया, मैंने समाज की प्रसन्नता के लिए, समाज के कल्याण के लिए क्या किया, मैंने जगत कल्याण के लिए क्या किया। तो ये कार्तिक मास में आप सबने एक क्वेश्चन उठाना है अपने आप से कि फंडामेंटल राइट्स की तो हम बातें करते रह जाते हैं, क्या हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को निभाया, एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और एक हमारे भगवान की कॉन्स्टिट्यूशन की, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में हम पास हुए या फेल हुए, और अगर हम पास हो रहे हैं बुरे नंबरों से तो क्या हमें अच्छे नंबर लेने चाहिए, ये सब प्रश्न आपने अपने आप से उठाने हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए अब हम प्रेयर सेगमेंट में चलते हैं। रूपाली जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज निखिल जी सच में बड़ा ही आनंद आया, रोज ही आनंद आता है, पर आज भगवान गिरधर वर्धन जी की कथा सुनकर बड़ा ही आनंद आया। यही समझ आई कि हमें किस तरह से अपनी संसारिक कामनाओं में नहीं फंसना और भगवान कि आगे अपने आप को सरेंडर करना है, अहंकार नहीं करना। जिस तरह से इंद्र देवता को अहंकार आ गया, हमने वहां से बचना है। फोकस के साथ भगवान की भक्ति करनी है और शुद्ध प्रेमा भक्ति करनी है कि प्रभु हमारे जीवन में आइए और हमें बताइए कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को लीड करें। जिस तरह से निखिल जी हमेशा कहते हैं मैं रात को प्रेयर करता हूँ, उसी तरह मैं भी सुबह उठते टाइम भी कि हे प्रभु प्लीज आज के दिन में आप हमें बताएं कि हम क्या करें, हमारी बुद्धि में आए और हम अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ लीड कर पाए। और रात को सोते टाइम भी कि हे प्रभु पता नहीं कितनी गलतियां होगी, बचा लेना और शुद्ध प्रेमा भक्ति देना। तो चलिए प्रेयर की तरफ चलते हैं। मनी जी की
लिए वो चाहती है कि वो गोवर्धन राज की परिक्रमा करें। सीमा शर्मा जी के लिए, उनकी डॉटर के लिए, शिप्रा जी के लिए प्रेयर, और उनकी फैमिली के लिए, कंप्लीट हेल्थ के लिए। रितु सूद जी की मदर सिमरो सूद जी की हेल्थ के लिए, गीता महाजन जी की फैमिली और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, किरण महाजन जी की फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ और फैमिली हेल्थ के लिए, राजकुमारी जी की के लिए फैमिली के लिए और स्पिरिचुअल फिजिकल हेल्थ के लिए, सुमन सोने जी की फैमिली के लिए, सुनीता चंबियाल जी की मदर के लिए, सुषमा देवी जी की स्पिरिचुअल और फिजिकल हेल्थ के लिए, निधि महाजन जी के, आज उन्होंने सोचा है कि मैं छप्पन भोग लगाऊंगी उनका, अच्छी तरह से सब हो जाए उनके लिए, ममता सूद जी गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहती है, वह वहीं पे हैं, उनकी अच्छी तरह हो जाए उनके लिए, आरती जिंदल जी की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, मोनिका गुप्ता जी की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, विजय वाराणसी जी की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, शुभ गुप्ता जी के बेटे और उनके फैमिली के लिए, नीलम जसवाल जी के लिए भी। लास्ट में फ्रेंड्स प्लीज आप 6:10 से पहले प्रेयर करें, लास्ट में छूट जाती हैं, और विजय वाराणसी जी की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। डेफिनेटली जब आप प्रेयर्स चाहते हैं ना प्लीज, तो 6-6:10 तक आपने प्रेयर्स की रिक्वेस्ट कर देनी है, ताकि रूपाली जी के लिए इजी हो लिखना। जो आज हमने कलेक्टिव माला की थी, उसका सारा फल आप सब के साथ साथ में आपके परिवारों की कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस के लिए, स्पेशली आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। जितने भी डिवोटीज का यहाँ नाम लिया गया, किसी का नाम अगर मिस भी हो गया हो, जो भी सबकी डिजायर्स हैं, प्रभु उनकी मनोकामना पूरी करें सबकी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए, है ना। एक एक दो दो माला सबने जरूर करनी है। एक डिवोटी कह रहे हैं कि उन्होंने गोवर्धन परिक्रमा करनी है आज, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आई थिंक ममता जी का नाम आया था। ममता जी आप परिक्रमा कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से होगी आपकी परिक्रमा। आइडियली नंगे पाँव कीजिएगा और खूब हरि नाम कीजिएगा, राइट। ठीक है, और जैसे भी हो पाए अच्छे से ही होगी। और आपने ये सोचना है कि मेरे सारे गोलोकियन भाई बंधुओं के लिए, प्रभु मैं ये परिक्रमा अपने लिए नहीं कर रही हूँ, सबके लिए कर रही हूँ। तो जो भी डिवोटीज नहीं भी आ पाए हैं, ममता जी आपको ये सेवा मिली है आज, आपने इस भाव से करनी है कि मैं अपने लिए नहीं कर रही प्रभु परिक्रमा, मेरे सारी गोलक एक्सप्रेस परिवार में जितने भी डिवोटीज हैं वो नहीं कर पाए हैं प्रभु, उनके लिए भी ये परिक्रमा का फल सबको देना। तो ममता जी आप ये सेवा एक्सेप्ट करेंगे तो हम नीचे लिख के बता सकते हैं, और हम आपके लिए प्रेयर्स करेंगे कि जो परिक्रमा है आपकी बड़ी स्पेशल रहे। और मेरे दिल में एक भाव प्रकट हुआ अभी जब सब लोग नीचे लिख रहे थे, मैं भी जाना चाहती हूँ, मैं भी जाना चाहती हूँ। तो हम कमिटमेंट तो नहीं करेंगे कब, बट हम जरूर आने वाले समय में, मैं नितिन जी से रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, ये गोलोक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रिप होगा जिसमें गोवर्धन परिक्रमा और राधा कुंड स्नान सब इंक्लूड किया जाए। और जो उसमें भक्त है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे फाइनेंशियली, गोलोक एक्सप्रेस को स्पॉन्सर करेगा और आप सबको परिक्रमा करवाई जाएगी। और आप सब, ये मेरा वादा है, और प्रभु हमें इतना सक्षम बनाए कि आने वाले समय में हम जरूर करेंगे। मैं कोई टाइम डेडलाइन नहीं दूंगा अभी, बिकॉज प्रैक्टिकलिटी देखनी पड़ेगी। एक एज अ होल गोलोक एक्सप्रेस परिवार परिक्रमा की जाएगी, राधा कुंड में स्नान होगा, वृंदावन धाम की यात्रा करेंगे। और जो अफोर्ड नहीं कर पाएगा उसको कोई चिंता लेने की नहीं है, उसका पूरा ट्रिप जो है गोलोक एक्सप्रेस स्पॉन्सर करेगा, है ना। तो कार्तिक मास चल रहा है, आजकल सेल चल रही है, तो प्रभु मुझे नए नए आइडियाज देते रहते हैं, तो वो नए आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। चलिए अब हम रिव्यू सेगमेंट में चलते हैं निमिषी के पास। निमिषी आप लीड करना चाहेंगे यहाँ से। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, एक मिनट। हरी बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरिराज गोवर्धन की जय। आज का सत्संग हमेशा की तरह बहुत ही मजेदार, और आज हमने परिक्रमा की, गोवर्धन पर्वत की लीला को सुना, बहुत ही आनंद आया, और उसमें से टेक अवे पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे आज हमें बताए गए, मैं रिपीट नहीं करूंगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आज
जो मेरे को समझ में आया और जो मुझे लगता है कि मुझे आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहिए वो ये है कि इंसान को सबसे पहले तो अपनी गलती को मानना है और उसको एक्नॉलेज करने के बाद भगवान को ही सरेंडर करना है। देखिए वैसे तो अगर हम अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे गोवर्धन परिक्रमा गोवर्धन लीला को तो फिर शायद हम समझ नहीं पाएंगे कैसे एक बच्चे ने एक छोटे से बच्चे ने अपनी छोटी उंगली पे के नाखून पे पूरा का पूरा पर्वत उठा लिया। लेकिन भगवान की लीलाओं को अपने बुद्धि से नहीं समझा जा सकता क्योंकि हम बहुत तुच्छ हैं बहुत छोटे हैं है ना। भगवान की लीलाएं बहुत बड़ी बड़ी भगवान का जो पूरा शौर्य ऐश्वर्य है वो बहुत बड़ा है। हम शायद अपनी नेकेड आइज से इन आंखों से उसे देख ही नहीं पाते। लेकिन समझने की जरूरत ये है कि अगर हम ठान ले अगर हम अपने जीवन में एक प्रण ले ले कि हमें बड़े से बड़ा काम करना है जनहित में करना है तो फिर यहाँ पे इस लीला के माध्यम से हमें समझ में आता है कि हम भगवान के साथ जुड़कर भगवान को सरेंडर करके हर कोई काम कर सकते हैं जो शायद हमारी आंखों में हमारे मन में इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब भगवान का साथ आपके पास आ जाता है आप भगवान के संरक्षण में चले जाते हैं तो सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। जैसे कि अगर हम सोसाइटी में ये कहते हैं कि यार मैं ये चीज नहीं कर सकता मुझसे नहीं हो पाता बहुत सारे डिवोटीज कोई वीडियोस या कोई कमेंट लिखने के लिए परेशान हो जाते हैं या फिर कोई अपनी थॉट्स को शेयर करने के लिए परेशान हो जाते हैं कोई वीडियो पे नहीं आ पाता इस तरीके की छोटी छोटी बहुत सारी चीजें परेशान करती हैं सब लोगों को। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो पाता है मैं शुरुआत में अगर अपनी बात करूं तो मेरे लिए ये लाइव आना या ऑनलाइन आना बहुत मुश्किल था लेकिन क्योंकि मैंने अपने स्पिरिचुअल गाइड निखिल जी की नितिन जी की बात सुनी जैसा उन्होंने मुझे सजेस्ट किया मुझे ये लगता था कि वो जो भी कहेंगे मेरे लिए ठीक ही कहेंगे और मुझे वो कर देना है तो मैं बिना कुछ सोचे समझे वो कर देता था तो उसके साथ साथ मैं भगवान से प्रेयर्स करता रहता था। जब इस तरीके से सारी चीजें मिला के मैं साथ में चल रहा था तो मेरे लिए सारी चीजें बहुत आसान होना शुरू हो गई तो कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाता जब हम भगवान के लिए भगवान के साथ जुड़कर भगवान को सरेंडर करकर कोई भी कार्य करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से बड़ा मजेदार सा एक लिंक बनता है कि गोवर्धन पर्वत को जब भगवान ने उठाया तो सारे लोगों ने अपने अपने भाव जैसे कि निखिल जी ने बताया कि अपने अपने भाव से भगवान की मदद करना चाहिए क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि हमारा छोटा सा काना हमारा लल्ला कैसे उठा पाएगा इसमें थक जाएगा भूख लग जाएगी। उसी तरीके से एक भक्त का भाव भी होता है दोस्तों ऑल दो करने वाला तो सब कुछ भगवान ही है लेकिन फिर भी एक डिवोटी भगवान की सेवा में तत्पर रहता है और जहां पे भी उसकी जरूरत हो तन मन धन से उस पर भगवान के रास्ते पे लगा रहता है जहां पे भी आदेश आता है आगे बढ़ चढ़ कर सेवा करता है। बहुत ही बढ़िया आज का सत्संग था। ईगो से हमें बचना है शुद्ध भक्ति की तरफ हमें जाना है और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें आज हमने समझी हैं उसको अपने पूरे परिवार के साथ शेयर करना है ताकि सारा परिवार अच्छे से गोवर्धन महत्व को समझ पाए और इसकी लीला को जान के उसका आनंद ले पाए। हाँ जी यार निमिष जी पहले तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक आप भी ऋषिकेश में आनंद लूट रहे हैं आप तो वेरी नाइस आनंद लूटिए। सबके लिए प्रेयर जरूर कीजिएगा यहाँ जो सत्संग में सबकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए जरूर प्रेयर कीजिएगा। और मैं बस ये मेंशन करना चाहता हूँ एक ब्यूटीफुल डिवोटी है हमारे साथ मीरा बलोरिया जी उनका थैंक यू करना चाहता हूँ मैं आप सबको उनका थैंक यू करना। उन्होंने कैसे सेवा की उनके हृदय में जब इच्छा जागी ना तो उन्होंने टाइप कर दिया काश मैं अभी वहां जा पाती। अभी अपने मीरा बलोरिया जी ने एक टाइपिंग की थी कुछ देर पहले जब वो मैसेज मेरे सामने आया ना तो परमात्मा ने मुझे कहा कि यार ये तो बात गलत है यार तुम कार्तिक मास चल रहा है डिवोटी डिजायर कर रहे हैं तो इसकी डिजायर पूरी होनी चाहिए। तो मीरा जी आपका मैसेज पढ़ के
मेरे हृदय में वो इच्छा प्रकट हुई, जो आज मैंने अनाउंसमेंट की है, इसका जो श्रेय है वो आपकी उस प्रेयर के लिए जाता है। देखिए इस तरह से कैसे कोई भाव भगत करता है भक्त, तो कैसे कितने सारे और भक्तों का कल्याण हो सकता है ना। तो एक बार मीरा जी के लिए भी, उनका नाम भी बहुत ब्यूटीफुल है, मीरा जी, मीरा जी के लिए भी एक बार जयकार होनी चाहिए भाई। मीरा बलोरिया जी की जय हो, उनकी एक प्रार्थना जय से कितने सारे हो। भक्तों का कल्याण होगा। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, प्लीज कंटिन्यू मिशी। हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू मीरा जी, थैंक यू। और जैसा कि निखिल जी ने बताया है, आगे चलकर कोई टाइमलाइन नहीं है, जरूर हम लोग ये कुछ प्लान करेंगे और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा और राधा कुंड में स्नान और साथ साथ में वृंदावन का टूर कुछ ना कुछ प्लान अप किया जाएगा और सभी डिवोटीज को, सारे परिवार को बताया जाएगा। जो जो इच्छुक होंगे वो प्लान अप कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं रिव्यूज की तरफ। सबसे पहले सुनीता ठाकुर जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल सुनीता जी। हरे हरे बोल एवरीवन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले सभी डिवोटीज को गोवर्धन महाराज की आज गोवर्धन पूजा है, उसकी शुभकामनाएं। और आज बड़े अच्छे से निखिल जी ने गोवर्धन जो पूजा हम करते हैं, क्यों करते हैं, उसकी स्टोरी जो है रिलेट करके सुनाई, तो बड़ा आनंद आया। और देखिए इस प्रकार की जब हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो भगवान के प्रति हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा जो है और बढ़ती है, और हम जिस पाथ पे चल रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं, हम जो जिस राह पे चल रहे हैं वो बढ़िया है। क्योंकि जब तक हम इस, मैं अपनी बात करूं तो जब तक इस मंच पे नहीं जुड़ी थी मैं, तो ये शुद्ध भक्ति क्या होती है ये बिल्कुल भी मुझे मतलब नॉलेज नहीं था। यही था कि अच्छा करेंगे तो पुण्य मिलेगा, बुरा करेंगे तो पाप पाप करेंगे, और स्वर्ग, अच्छा करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, मेरी यहाँ तक ही सोच थी, स्वर्ग से परे यहाँ तक आगे नहीं सोच नहीं थी कि गोलोक धाम भी कुछ होता है, भगवान का घर होता है, तो स्वर्ग को ही मानते थे। तो देखिए कितना अच्छा भगवान ने हमें ये मंच दिया है कि जिसके माध्यम से हम, मतलब हमारी सोच से लिमिटेड जो सोच रखते थे हम, उसको भगवान ने कितना वास्त किया और हमें इतना ज्ञान दिया है कि सिर्फ स्वर्ग जो है ये एक, मतलब एक स्टेशन है, जो लास्ट हमारा जो मंजिल है हमारी वो गोलोक धाम ही है, भगवान का दरबार है। और जब तक नहीं जुड़े थे तो यही करते थे कि ड्यूटीज को, मतलब हर काम जो भी करना उसके प्रति डिजायर रखने की इसका रिजल्ट क्या होगा। तो जब रिजल्ट के बारे में सोचते थे, जैसे हमने अभी इस कथा में देखा कि जो भगवान इंद्र जी हैं, जो जैसे निखिल जी ने बोला कि वो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, मिश्रित भक्ति करते हैं लेकिन वो भक्त हैं भगवान के, हम उनको, उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते, ना ही हम उनके ऊपर कोई ऐसे उसको कंपैरिजन करना उनके साथ अपना। लेकिन यही है कि हम भी इस कैटेगरी में ही थे पहले और अब भी चल रहे हैं, मिश्रित ही कर रहे हैं हम भी, रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। कोई हमारे जैसे अभी देखो भगवान उनकी शरण में गए, गोकुलवासी जो सारे भगवान की शरण में गए, तो भगवान ने उनको नहीं बोला कि आप तो हमेशा उसकी पूजा करते थे तो जाओ अब मैं नहीं आपकी हेल्प करूंगा। तो हमने यहाँ से यही सीखा कि भगवान दिव्य हैं, वो जो है वो तीन गुणों से ऊपर है, उनके ऊपर इन तीन गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता, वो संभाव रहते हैं और जो उनकी शरण में आता है उनकी हेल्प करते हैं, जो नहीं आता भगवान उसको इच्छा पे छोड़ देते हैं। लेकिन हम क्या करते थे पहले, यही सोचते थे कि सुख आ रहा है तो वो हमारी मतलब तो योग्यता है, और जब दुख आता है तो ये भगवान हमें क्यों ऐसे दुख देते हैं। लेकिन मैं इस मंच का धन्यवाद करूंगी, ब्लेस्ड फील करती हूँ कि इस सोच को कम से कम आगे चल रहे हैं धीरे धीरे, तो इस सोच को हमारी को खत्म किया है गोलोक एक्सप्रेस ने कि देखिए जो भी हमारे कर्मास होते हैं उसकी वजह से हमें सुख दुख जो है भोगना पड़ता है, लेकिन अगर हमने इस सुख दुख के ऊपर उठना है तो हमें शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। और शुद्ध भक्ति क्या है कि हमने अपने जो ड्यूटीज करनी है उसके रिजल्ट की इच्छा नहीं करनी है। तो रिजल्ट की इच्छा करेंगे तो वही है, जब हम काम करते हैं तो रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो यही होता है कि पता नहीं इसका फल क्या होगा, मैं उसमें से निकल पाऊंगा, ये मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, और वो चाहे उस काम में हमें लास्ट में सक्सेस भी मिल जाए लेकिन हमारे मन में जो हम मतलब सेटिस्फाई नहीं रहते, टेंशन रहती है, हम दुखी रहते हैं। लेकिन भगवान क्या है, जैसे निखिल जी बताते हैं कि भगवान हमेशा, जब भी हम देखते हैं भगवान की पिक देखते हैं कोई, तो भगवान हमेशा मुस्कुरा रहे होते हैं। वो क्यों मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि वो इन
इन गुणों से ऊपर, उनके ऊपर ये तामसिक गुण, राशिक गुण और सात्विक गुण का प्रभाव नहीं पड़ता। और हमने इस मंच से यही सीखा है कि हम भगवान का अंश हैं, तो हम मटेरियल डिजायर में घूमते रहते हैं, इच्छाएं करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। दुखी होने का कारण यही है कि हमारी जो नेचर है वो भगवान वो दिव्य है, लेकिन हम जो माया के प्रभाव में आकर उस नेचर को हम भूल चुके हैं। लेकिन इस मंच के से जुड़कर हमें एटलीस्ट इतना तो पता चल गया कि जो हमारा टारगेट है वो भगवान की सेवा है। हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमें जो दिव्य आनंद प्राप्त होगा, और हम जे इस मंच से जुड़कर हम उस आनंद को फील भी कर पा रहे हैं परसेंटेज में। तो यही बोलूंगी कि आज का जो सत्संग था, आई ओपनिंग था, मजा आया, आनंद आया, और इस तरह की कथाएं सुनकर हमें भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ता है, भगवान का कृपा महसूस होती है, और शुद्ध भक्ति जो भगवान हमें इस कथा के माध्यम से भी हमें मैसेज यही मिलता है कि हमें शुद्ध भक्ति की तरफ ही बढ़ना है। तो शुद्ध भक्ति की जो शुरुआत है मेरी लाइफ में, तो मैं यही कहूंगी कि इस मंच से जुड़कर ही हुई है। तो मैं इस मंच का अपने बड़े दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि हमें कम से कम हमें रास्ता तो मिला कि हमने जाना किधर है। पहले तो ऐसे दुनियादारी में भटक रहे थे, टारगेट ही नहीं पता था, मंजिल ही नहीं पता था। तो इतना ही बोलूंगी कि धन्यवाद गोलोक एक्सप्रेस का कि हमें अपनी मंजिल तो एटलीस्ट हमें दिखाई दे रही है कि जाना कहाँ। अब धीरे धीरे चलते रहेंगे तो प्रभु कृपा से अपने जो डिवोटीज का संग मिला है हमें और अपने मेंटर्स की जो गाइडेंस मिल रही है उसकी कृपा से हम जरूर जो है इस टारगेट को भी अचीव कर पाएंगे। तो धन्यवाद करना चाहूंगी। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारे विचार, और पूरी गोलोक एक्सप्रेस टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब हम सब लोग जो है मिश्रित भक्ति के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं, तो करने की कोई जरूरत नहीं है। डिजायर हम सब में है, लेकिन एक चीज जो हमारे हाथ में है जो हम कर सकते हैं वो क्या है? प्रेयर्स। तो क्यों ना आज से ही हम भगवान से प्रेयर्स करें कि हमें शुद्ध भक्ति का वरदान दीजिए, हमें शुद्ध भक्ति दीजिए ताकि हम और आगे बढ़ सकें। इसी तरीके से जब भगवान की कृपा बरसना शुरू होगी तो आहिस्ता 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 मिश्रित से हम शुद्ध की तरफ जाना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। आगे चलते हैं उज्जवल जी के पास, चंबा। हरी हरी बोल उज्जवल जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोवर्धन जी की जय, गिरिराज जी की जय, भगवान श्री राधे कृष्ण जी की जय। देखिए निखिल जी ने बहुत इलेबोरेट करके हमें समझाया है, और जो मुझे उसमें से टेकअवेज मिले हैं वो यही है कि भगवान की शरण में जाने के लिए हमें हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। कभी हमारे पास कुछ आ जाता है तो हमें बहुत चहकना नहीं चाहिए, बहुत अहंकार नहीं करना चाहिए कि ये मेरी वजह से हो रहा है, मैं और मेरा को तो वैसे ही भूल जाओ, तभी हम भगवान को सरेंडर कर सकते हैं। जब तक मैं और मेरा में फंसा रहूंगा मैं कभी भगवान को सरेंडर नहीं कर पाऊंगा। और जिस तरह किसी के पास पावर आ जाती है, पैसा आ जाता है, तो उसके पास बट ऑब्वियस है अहंकार भी आता है, और ये मैं बहुत सारी चीज़ें अपने, जैसे मैं एक एडवोकेट हूँ तो अपने जुडिशियल ऑफिसर्स में भी देखता हूँ, अपने क्लीग्स में भी देखता हूँ, जिनका काम थोड़ा सा अच्छा हो जाता है तो कैसे उनके विचार बदल जाते हैं, कैसे उनके बात करने का तरीका बदल जाता है, मगर वो ये भूल जाते हैं कि ये सब क्षणिक है। क्योंकि भगवद गीता पढ़ के और गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से यही समझ में आया है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक ड्रामा चल रहा है, और एक्चुअल में जो हमारी एग्जिस्टेंस है उसको पहचानना जो है वो हमारा मेन काम है, जैसा कि भगवान करते हैं। क्योंकि सांसारिक सोच में लोग अक्सर ये बोलते हैं, हाँ ये तो दिव्य बच्चा नहीं है कोई, ऐसे ही है, कर दिए कारनामे, और मगर ये भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की शक्तियां हैं, और भगवान के अलावा कोई और ये ऐसा नहीं कर सकता कि इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत अपनी इतनी छोटी उंगली पे उठा लेना इतने दिनों के लिए, इतने लोगों को शेल्टर देना। तो उसी तरह जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमारे जीवन में जितने भी जो भी हम सो कॉल्ड दुख बोलते हैं या एडवर्स सिचुएशंस हम बोलते हैं जिनको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारा भय हम पे हावी हो जाता है,
तो अगर हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे सिचुएशन कैसी भी हो, तो हम उन सब चीजों को कम ओवर कर सकते हैं, वो हम पे हावी नहीं होंगी, हम उनका सामना करने के काबिल बन पाएंगे। ये भगवान के नाम की शक्ति है और मैंने हर दम ये एक्सपीरियंस किया है। बाकी रही भक्ति की बात, तो देखिए मैं एक नर्सरी में हूँ और नर्सरी क्लास से मुझे आगे बढ़ना है, वो अब कई बार मैं पढ़ूंगा भी, कई बार मैं नहीं पढ़ूंगा, कई बार मैं खेलता ही रहूंगा, कई बार मैं क्या करूंगा। तो मगर जो मुझे समझ में आया, जो नितिन जी, निखिल जी और नितिन जी बताते हैं कि भाई आपको हमेशा जुड़े रहना है, अगर हम जुड़े रहेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, अगर हम रुक गए तब हमारा जो है पतन शुरू हो जाएगा। जैसे अब मैं आजकल आपको बताऊं तो पता नहीं क्यों लथार्जिकनेस थोड़ी ज्यादा आ गई है, खाना खाने में मैं थोड़ा ज्यादा सा लालची हो गया हूँ, जिसकी वजह से और सुस्ती आ जाती है और वो एक इंटरेस्ट नहीं बन पाता है। मगर मैं भगवान से हर वक्त यही प्रेयर करता हूँ, जब भी माला हाथ में पकड़ता हूँ, कि हे प्रभु मुझे अपने नाम का सहारा दो, ताकि मैं इस जो भी द्वंद मेरे साथ चल रहा है मैं उससे आगे निकल सकूं, क्योंकि मेरे में तो ऐसी एबिलिटी है नहीं कि मैं इन सब चीजों से अपने आप निकाल सकता हूँ अपने आप को। नहीं, मैं जिन चीजों से भी, जिन कुरीतियों से भी अपने आप को निकाल पाया हूँ, वो सब भगवान के नाम की शक्ति से ही है। भगवान की कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और जैसा इन्होंने कहा है, सत्संग साधना सेवा कभी मत छोड़ो, और यही एक फैक्ट है, वन वे और अदर, अगर हम लगे रहेंगे तो हम जो है मिश्रित भक्ति से प्योरेस्ट भक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। बोलने में भी बहुत आसान लगता है, क्योंकि कितनी स्टोरीज हमने भी पढ़ी हैं, जो बड़े बड़े महामुनि हुए, महर्षि हुए, वो लोग भी भटक जाते हैं। तो इसलिए इन चीजों का कुछ इतना वो नहीं सोचना है कि ये मेरे से ये हो गया, मेरे से वैसा हो गया, नहीं, चलो हो गया है, उससे आगे बढ़ो। तो भगवान का नाम लेते जाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम आगे निकलते जाएंगे। तो जैसे गोवर्धन पर्वत की लीला है, हमें किसी चीज का अहंकार नहीं करना, जैसे इंद्र को हो गया था, हालांकि भगवान के बिना उसकी भी एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है, और हमें इधर उधर भटकना नहीं है, एक तरफ हमें अपना केंद्र बिंदु बनाना है, भगवान को हमने प्रसन्न करना है, जो काम करना है भगवान के लिए करना है, तो वही हमारी भक्ति है। मुझे तो यही समझ में आया है, जो काम करो परमात्मा की खुशी के लिए करो, जैसा भी करो, सब भगवान करवाने वाले हैं, करने वाले हैं, भोगने वाले वही हैं, भोगता वही है ना, हम प्रोपराइटर है ना कुछ है, हम तो एक कठपुतली हैं, जैसा भगवान नचाएंगे हम नाचते रहेंगे, मगर भगवान की रजा में ही हमारी रजा होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल। थैंक यू सर जी, बहुत ही प्यारी अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही प्यारे टेक अवे। बिल्कुल सही, सत्संग साधना सेवा में हमेशा निरंतर लगे रहना है, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएं और जो भी गलतियां हमारे से होती हैं उसको एक्नॉलेज करके आगे बढ़ते चाहिए। यही सच है और यही रियलिटी है और यही रास्ता है, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे चलते हैं सुमन जी के पास। हरी हरी बोल सुमन जी। हरी बोल सुमन कुंद्रा जी, आप साथ में हैं। हरी हरी बोल। चलिए आगे चलते हैं, रीताक चरक जी हमारे साथ हैं जम्मू से। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, जय श्री कृष्णा। आज का सत्संग भी बहुत ही बढ़िया रहा और आज हमने निखिल जी के माध्यम से कथा सुनी कि ये जो गोवर्धन पर्वत भगवान जी ने किस प्रकार से अपनी उंगली पे उठाया और उन्होंने इस चीज को हमें रियलाइज करवाया कि एक प्रभु कृष्णा ही हैं कि जिनको हमने हमेशा स्मरण रखना है और उनको हमेशा अपने मन चित्त में
बिठा के रखना है, प्रभु की पूजा करनी है। तो आज के जो कथा है, इसमें हमने ये समझा है कि हमें निरंतर प्रभु का स्मरण करते हुए प्रभु की शरण प्राप्त करनी है, जिससे हमारे अंदर जो है हमारे विकारों का विनाश होगा, हमें सत्संग साधना और सेवा के साथ ऐसे जुड़ना है कि जब भक्ति हमारे अंदर आती है तो तभी हमारे अंदर जो शुद्ध विचार आते हैं। और जैसे अगर हम निरंतर प्रभु का नाम लेते रहेंगे, हमारे अंदर सेवा भाव रहेगा, तो हम हर चीज जो है वो प्रभु की ड्यूटी समझ के करते रहेंगे। और ड्यूटी करते हुए हमें कभी भी अपने अंदर जो है अहंकार नहीं लाना है। तो अहंकार ये होता है कि जब जरा सा भी अहंकार हमारे जीवन में आता है तो हमारी जो भक्ति है वो भी नष्ट हो जाती है। जैसे कि इंदर ने किया कि उसको ये हो गया कि अगर मैं इनको बारिश नहीं दूंगा तो या ये अब ये भगवान ये एक बच्चे की बात मान रहे हैं और मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं अहंकार आया कि मेरे बिना तो इनका काम ही नहीं चलेगा। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने अपना अहंकार के माध्यम से अपना क्रोध प्रकट करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं उसने भगवान कृष्णा को पहचाना नहीं, और ना ही उसको सिर्फ यही अहंकार होता रहा कि भाई मेरे बिना तो इनका काम नहीं चलेगा, तो मैं इनको अपना क्रोध दिखाऊं। यानी कि जो अहंकार है यही हमारे विनाश का कारण है। तो हमें हर चीज जो है वो सेवा भाव से करनी चाहिए, भगवान की ड्यूटी समझ के करनी चाहिए, और हमेशा ईश्वर को हमेशा याद रखना है और प्रभु के साथ जुड़े रहना है। और जैसे कि पहले हम क्या करते थे कि जब गोलोक परिवार से नहीं जुड़े थे तो जो भी कार्य था बस यही सोचते थे कि मैं कर रही हूँ, मेरा ही है, मैंने अपने लिए ही करना है या अपने परिवार के लिए करना है। लेकिन आज ऐसी धारणा नहीं है, अब ऐसा लगता है कि नहीं, सब जो है वो भगवान के ही अंश है, भगवान के ही बच्चे हैं। तो हमें सभी के साथ प्रेम भाव के साथ और सेवा के जो अपने अंदर सेवा भाव है उसके साथ ही अपना जीवन जो है व्यतीत करना है। और ये जब भगवान की भक्ति हमारे जीवन में आती है तो सबसे पहले हमारे अंदर जो है वो शुद्ध भक्ति भी आती है और जो निर्भयता है वो आती है। भगवान के साथ जुड़कर इतना अच्छा लगता है कि अब ऐसा लगता है कि पता नहीं ये जो पल है हमने पहले कितना कितना जीवन जो है वो मिस कर दिया है, और आज इन पलों को जीने में, जीवन जीने में और प्रभु के साथ जुड़ने में, प्रभु की सेवा करने में इतना आनंद आ रहा है कि हम मुझसे बयान ही नहीं कर सकती हूँ मैं। तो ये है कि अब ऐसा लगता है कि हर कार्य जो है वो भगवान के लिए ही कर रही हूँ। जैसे कि सुबह सबसे पहले भगवान से ही शुरुआत होती है और लास्ट में जब हम रात को सोते हैं तो तब भी प्रभु का नाम ही हमारे साथ होता है। तो ये चीज है कि ये सब गोलक परिवार से सीखा, उनसे ही हम सीख पा रहे हैं और अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। तो इसलिए गोलक परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, और शुद्ध भक्ति हमारे जीवन में सभी के साथ इसी तरह आगे बढ़ती जाए। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल, बहुत बहुत धन्यवाद बेहतर जी, बहुत प्यारे विचार, बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग। एक बार फिर ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आगे चलते हैं मीनू वालिया जी के पास, पठानकोट। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी बोल एवरीवन। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य, और निखिल जी ने आज हमें गोवर्धन पर्वत की महिमा के बारे में बताया, और ये कथा जो थी, कथा तो थोड़ी पता थी लेकिन जो उसका मूल रूप आज बताया ना कि भगवान के हृदय से प्रकट हुए हैं गोवर्धन पर्वत, तो ये मुझे नहीं पता था, तो आज बहुत आनंद आया। और जैसा कि निखिल जी शुरुआत में हमेशा रोज कह रहे हैं कि ये कार्तिक मास चल रहा है और हमारा आलस दूर हो
और ऊर्जा व्रत में हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो मैं यहाँ दो दिन से जो मेरे मन में चल रहा था कि जैसे परसों रात को मन में आया कि कल तो मीटिंग है तो मैं थोड़ा लेट भी उठ जाऊंगी या थोड़ा सोते सुन लूंगी लेटे लेटे, लेकिन देखिए प्रभु कृपा कि मैं जब अपना देखते हैं हम कि क्या कोई लास्ट नोटिफिकेशन जो है उसमें कृष्णा कमांडो में, तो मैं देखती हूँ कि नीनू वालिया के मीटिंग मिनट्स हैं। तो आलस खत्म हो गया कि सुबह तो अब मुझे उठना है और उठ के मुझे मीटिंग मिनट्स बनाने हैं, तो वो तो लिखना भी है, तो कैसे आलस भगवान ने दूर किया। और आज फिर रात को ऐसे ही मन में आ रहा था कि आज बहुत थक गए हैं, दिवाली का सारा कार्यक्रम हुआ, भगवान की पूजा हुई है, तो आज सुबह मैंने थोड़ा आराम से उठूंगी, साथ साथ सत्संग सुनती रहूंगी। लेकिन जब मैंने फिर देखा आज तो मेरा नाम श्लोक पढ़ने में भी था और लर्निंग में भी था, तो मैं भगवान के ऐसे ब्लेसिंग्स मान रही हूँ अपने आप में कि भगवान कैसे कहते हैं कि ये माया का अटैक नीनू जो तेरे अंदर आ रहा है ना, तो ये इसको खत्म करना है, और साथ साथ ये जो सेवाएं मिल रही हैं इनको बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो मैं सुबह से उठ के बैठी हूँ और ऐसे मुझे लग रहा है कि कोई नींद नहीं आ रही है। तो कई बार ऐसा हमारी बुद्धि जो है ना, बुद्धि तो मतलब भगवान है उसमें विराजमान है, लेकिन मन हमें कई बार भटका देता है। तो ये जो निखिल जी बार बार कहते हैं ना कि आलस का त्याग हो, तो आलस हमें दूर करना है, वो इस तरह से मेरे को लगता है कि भगवान जब हम गलत रास्ते पे थोड़ा सा ट्रैक से भटकते हैं ना, तो अपने आप हमें रास्ते पर ले भी आते हैं, लेकिन वो होता कब है, जब हम सत्संग सेवा साधना से जुड़े रहते हैं, हम अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं। और आज की कथा से जो टेक अवेज मेरे बने हैं बहुत प्यारे, कि हमें शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ना है, प्रेमा भक्ति करनी है, और विनीत भाव से हमें आगे बढ़ के जाना है, हमारे अंदर अहंकार ना आए। अगर भगवान ने हमें कोई योग्यता दी है तो उसमें हमारा कोई पल नहीं है, वो भगवान की कृपा के कारण ही हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। जब हम इस तरह से संकल्पित हो जाते हैं, जैसे निखिल जी ने संकल्प लिए हैं हमारे से कि हम ये कार्तिक मास में अपनी ज्यादा से ज्यादा भक्ति करें, हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को मोटिवेटेड रखें, शुद्ध भाव से आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो मैं कहती हूँ कि भगवान की बहुत कृपा हो रही है और हमारा प्रयास वो निरंतर जारी है। जैसे उज्जवल जी कह रहे थे कि हम नर्सरी के स्टूडेंट्स हैं, और बिल्कुल हम नर्सरी के स्टूडेंट्स हैं, और हमें कई बार ऐसा कभी उठते हैं फिर बैठ जाते हैं, कभी गिरते हैं फिर संभलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो कैसे, जब सत्संग के साथ निरंतर जुड़े रहेंगे, जो हमें निखिल जी ने गोलोक एक्सप्रेस का ये हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया हुआ है, और हम ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा वो गिरने का या कुछ ऐसे चांसेस हो, क्योंकि भगवान की कृपा हम सब पे बरस रही है। और जैसे आज निखिल जी ने एक और भी हमें कहा कि जैसे फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर ग्रोज टुगेदर, और वो वीडियो डेफिनेटली निखिल जी हम परिवार के साथ बैठ के देखेंगे, मैं वायदा करती हूँ आपके साथ, और जो जो बातें आप बता रहे हो इनको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं और भक्ति भाव से आगे बढ़ रहे हैं। और आज ये भी बताना चाहती हूँ कि आज हम रात को ही वृंदावन जा रहे हैं, आप सबकी ब्लेसिंग्स, निखिल जी आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आपने जब कार्तिक मास शुरू हुआ था तभी मोटिवेट हमें किया कि आपको जाना चाहिए जाना चाहिए, और आप नित्य प्रति बोल कहते जा रहे हैं हमें, तो ये भगवान की कृपा है कि मैं पहली बार जा रही हूँ, और ये यात्रा जो है आप सबकी ब्लेसिंग से निर्विघ्न हमारी पूरी हो जाए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्यारे रिव्यूज, और आपकी यात्रा सफल हो, सुखमय हो, हम सब प्रेस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आगे चलते हैं हम। तो नीनू जी बहुत अच्छा लगा कि आपने प्लान बना लिया है और आपकी यात्रा जैसे निमिष जी ने कहा आनंद में हो, और प्लीज याद रखिएगा जैसे मैंने आज बाकी सबके लिए प्रेयर्स करके आइएगा, खाली अपने लिए मत जाइए, पूरे परिवार के लिए जाइए, आई एम श्योर आप सोच भी रहे होंगे, और ऐसे आप करोगे तो जो लोग डिवोटीज नहीं भी जा पा रहे प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा कि उनको भी फल मिले धाम यात्रा का मानसिक रूप से, और कभी ना कभी वो सब आ सके। थैंक यू सो मच नीनू जी, हरि बोल। चलिए निमिष जी भजन की तरफ चलते हैं अब। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
हरी हरी बोल। आइए भजन की तरफ चलते हैं, अरुणा जी के पास चंबा। हरी हरी बोल अरुणा जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं अरुणा महाजन चंबा से बोल रही हूँ। मैं आज भगवान का बड़ा शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि मुझे आज भजन की सेवा मिली है। आज का सत्संग बहुत ही बढ़िया रहा। आज के सत्संग में हमने गोवर्धन पूजा की महिमा को सुना और बड़ा ही अच्छा लगा। मेरा भजन भी आज इसी टॉपिक पे है और मैं अपने भजन की तरफ चलती हूँ। राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम। चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है। राधे राधे चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है। ओ वृंदावन की कुंज गलिन का सपना मुझे क्या खूब आया है। चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना कृष्णा के दीवानों का, सारे जग में एक ठिकाना कृष्णा के दीवानों का, सारे जग में एक ठिकाना कृष्णा के दीवानों का। ओ रास्ता देखे बांके बिहारी अपने भक्तों के आने का, रास्ता देखे बांके बिहारी अपने भक्तों के आने का, रास्ता देखे बांके बिहारी अपने भक्तों के आने का। ब्रज रज माथे लगा कर नाचूं ऐसा ख्याल मुझे आया है। चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है। राधे राधे चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है। राधे राधे कहते जाओ, परिक्रमा लगाते जाओ, जमुना मैया को नमन कर ब्रज की महिमा गाते जाओ। जमुना मैया को नमन कर ब्रज की महिमा गाते जाओ। हो जो ब्रज धाम एक बार है आया, बार बार जहां आया है। चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है। राधे राधे चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन के दर्शन को लोग तरसते रहते हैं, वृंदावन के दर्शन को लोग तरसते रहते हैं। हंसते हंसते आते हैं और रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं रोते रोते जाते हैं। वृंदावन में जब भी कोई आता है तो बड़े ही उत्साह से आता है, वृंदावन जब भी कोई आता है तो बड़े ही उत्साह से आता है कि मैं ब्रज में खो जाऊंगा, कि मैं ब्रज में खो जाऊंगा, मैं ब्रज में रम जाऊंगा,
मैं ब्रज में रम जाऊंगा, मगर जब जहां से वापिस आते हैं तो दिल में बड़ा दुख होता है, मगर जब वहां से वापिस आते हैं तो दिल में बड़ा दुख होता है कि ना जाने अब मैं वृंदावन कब वापिस आऊंगा, कि ना जाने अब मैं वृंदावन कब वापिस आऊंगा। हंसते हंसते आते हैं, रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं, रोते रोते जाते हैं। ओ हरि नाम धुन में जो रम गया, असली कृपा से नहाया है, चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है, राधे राधे चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है। हो वृंदावन की कुंज गलिन का सपना मुझे क्या खूब आया है, चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है, राधे राधे चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है। हरी हरी बोल। न शस्त्र पे न शास्त्र पे, न धन पर न किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है भगवान जी आपकी कृपा और शक्ति पर। हरी हरी बोल।